आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल दोस्तों, जिसे आप सुन रखे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात करेंगे अभिनेत्री नूतन की। रात सुहानी सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। ओ जिसकी किस्मत में गम के बिछोने थे, आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियाँ थी, दुख भरी अखियाँ थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आँखों में दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है अभिनेत्री नूतन की। महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू, तो 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यकीनन हम गुजरे जमाने की दिग्गज अभिनेत्री नूतन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने उस जमाने में इन चीजों को हकीकत में साकार कर दिया था, जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच ही अलग होती थी। 4 जून 1936 के दिन मुंबई में जन्मी नूतन को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला। दरअसल उनके पिता डायरेक्टर और कवि कुमार सेन समर्थ थे,
जबकि मां का नाम शोभना समर था। शोभना खुद एक दिग्गज कलाकार थी उस वक्त की। नूतन अपने माता पिता की चारों संतानों में सबसे बड़ी थी। वहीं उनकी दो बहनें तनुजा, जो काजोल और तनिषा की मां हैं, और इनके अलावा चतुरा ने भी बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। तनुजा जब महज 14 साल की थी, उस वक्त उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1950 में रिलीज हुई फिल्म हमारी बेटी से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म का प्रोडक्शन उनकी मां शोभना समर्थ ने किया था। वहीं जब नूतन 16 साल की हुई, तब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। दरअसल 1952 में दो मिस इंडिया पेजेंट हुए, एक में इंद्राणी रहमान विजेता बनी तो दूसरे में नूतन ने बाजी मारी, और इसी इवेंट में नूतन को मिस मसूरी का ताज भी पहनाया गया था। दोस्तों, नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। अमिया चक्रवर्ती के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ बलराज सानी और शोभा कोटे थे। इस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। और अभी अभी मैंने इसी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपको सुनाया था। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। संकल्प यात्रा
एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुँच रही है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने। सोच रहा था कि बच्चों को लेकर पूरा भारत घूमने चले, पर कैसे? नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में सरस आजीविका मेला, जहां मिलेंगे देश के 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की करीब 450 से ज्यादा महिला कारीगर, जो लेकर आए हैं गांव के उत्पाद, देश भर के स्वादिष्ट पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के हर राज्य का अनुभव मिलेगा यहां। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, नोएडा हार्ट सेक्टर 33 नोएडा में। प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क। पहले तो तेरी आँख भी नहीं खुल पाती थी ढंग से, फिर इतना बारीक काम कैसे कर पाई? पहले चूल्हे का धुआं आँख में जाता था ना, इसलिए अब सिलेंडर के बाद ना चूल्हा रहा, ना धुआं और ना जलन करती आँखें। घर घर पहुंच रहा सिलेंडर मुफ्त, अब देश हो रहा धुआं मुक्त, ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। यार मैं पूरा भारत घूमना चाहती हूँ, और वो भी मुफ्त में, पर कैसे? नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में सरस आजीविका मेला, जहाँ मिलेंगे देश के 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की करीब 450 से ज्यादा महिला कारीगर, जो लेकर आए हैं गांव के उत्पाद, देश भर के स्वादिष्ट पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश के हर राज्य का अनुभव मिलेगा यहां। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 16 फरवरी से 4 मार्च सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, नोएडा हार्ट सेक्टर 33 नोएडा में। प्रवेश और पार्किंग निःशुल्क। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log on to www.joinindiancoastguard.cdac.in. उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती एवं अच्छी दवाई की मोदी सरकार की गारंटी। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। मोदी जी का सपना है सबको स्वस्थ रखना है। रिम जिम रिम जिम, बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Thank you.
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में बात हो रही है अभिनेत्री नूतन की। तो दोस्तों नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई और इसके बाद उन्होंने देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता और दिलीप साहब के साथ कर्मा जैसी बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1963 में रिलीज हुई बंदनी में नूतन ने युवा कैदी की भूमिका निभाई थी जो उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। जब नूतन महज 23 साल की थी उस वक्त उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। करीब 2 साल बाद वो मनीष बहल की मां बनी। जब नूतन के 2 बच्चे हुए थे उस दौरान उनके और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह उड़ी तो नूतन को पता चला कि ये अफवाह कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही उड़ा रहे हैं। तो वो ये सुनकर आग बबूला हो गई और उसके बाद उन्होंने कभी संजीव कुमार से बात नहीं की। दोस्तों जिंदगी के आखिरी सालों में नूतन ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ गई और उन्होंने इसे जीतने का प्रयास तो बहुत किया लेकिन आखिर में वो हार गई और 1991 के दौरान महज 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा हा हा, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। कुछ
जाने तमन्ना ओ जरा सुनना जाने तमन्ना इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जलते हैं जिसके जलते हैं जिसके लिए दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल न सका आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊं